नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार चैट। निर्मल गंगा को झटका। सरकार द्वारा गंगा को निर्मल बनाने के अभियान को लगाया जा रहा है झटका। गंगा किनारे बसे गांव के दबंग लोग गंगा में डाल रहे हैं गंदगी। खेती के बहाने बीज गंगा में डाल रहे हैं, गंदी खाद गंगा में फसल पर लगाया जाता है खतरनाक कीटनाशक। गंगा के जल को कर रहे हैं विषैला। एनजीटी के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। जिला प्रशासन बना है मौन। जनपद के अधिकारियों द्वारा अनदेखी गंगा पर भारी पड़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन सोया हुआ है और गंगा किनारे बसे गांव के दबंग लोग बीच गंगा में रेतीली जमीन पर कब्जा कर उसमें सड़ी गली गंदी खाद डालकर निर्मल गंगा को जहरीला बना रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए है। जब बीच गंगा में फसल जमकर तैयार हो जाती है तो उस पर तरह तरह के खतरनाक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर गंगा जल को विषैला कर दिया जाता है। जबकि सरकार गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में धन खर्च कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए है। कुन्नौर तहसील के राजघाट गंगा में किनारे बसे गांव के दबंग प्रधान ने अपने चहेते वोटरों को वोटों के खातिर गंगा में जमीनों पर दबंगों का कब्जा कराकर रासायनिक खेती करवानी शुरू कर दी है, जिस पर दबंग उसमें सड़ी गली गंदगी को डाल रहे हैं और गंगा को जहरीली बना रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए है। जबकि एनजीटी के आदेश अनुसार गंगा में कोई भी गंदगी नहीं डालेगा, लेकिन राजघाट गंगा में जमकर गंदगी फसल उगाने के लिए डाली जा रही है। उस गंदगी में भारी मात्रा में पॉलीथीन भी मिक्स है। आपको बता दें कि गंगा में पॉलीथीन का जो ढेर दिखाई दे रहा है, यह उसी खाद से निकाला हुआ ढेर है जो मलबे का अंबार लग रहा है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है और इन्हीं लोगों द्वारा गंगा जल को पूरी तरह से जहरीला बनाने का काम किया जा रहा है। यह काम प्रत्येक वर्ष इन दबंगों द्वारा किया जाता है, लेकिन सरकार के किसी नुमाइंदे ने इस पर रोक लगाना उचित नहीं समझा है। एनजीटी के आदेशों की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही हैं। इंडिया वॉइस से बात करते हुए गंगा में खेती करने वाले ऋषि पाल ने बताया कि हमको गंगा में दो दो बीघा जमीन प्रधान द्वारा बांटी गई है, इसके बदले प्रधान को वोट देते हैं। कृषक ऋषि पाल ने बताया कि इस खाद को डालने के लिए हमसे किसी ने मना नहीं किया है। जब इस बारे में गुन्नौर के उप जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से कोतवाली प्रभारी को ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं और शीघ्र जांच करने के भी आदेश दिए हैं। समाचार चैट के लिए संबल से उमेश यादव की रिपोर्ट। शिषपाल, कहाँ रहते हो? अच्छा, आप ये गंगा में जो खुदाई कर रहे हो, इसे क्या करोगे? पलेज लगाएंगे और क्या करेंगे? पलेज में क्या कब होगा? लौकी का सीजन। अच्छा, ये जो देसी खाद डाला है, ये आप कहाँ से लाए हो? घर का। क्या क्या काय का खाद है ये? ये गाय का, भैंस का। अच्छा, गोबर का खाद है, सड़ा हुआ। तो अब इसे गंगा जी में डालोगे आप? इसे नहीं डालोगे तो नहीं होगी खेती? ऐसे कैसे हो जाएगी बिना खाद के? आपको इसके लिए किसी ने मना नहीं किया? आप सभी लोग डाल रहे हो, ये खाद पड़ रहा है इसमें, गंगा जी में डाल रहे हैं, तो किसी ने मना किया या नहीं? ऐसा तो किसी ने मना नहीं किया अभी तक। किसी ने रोका नहीं आपको? आपको इस, आपने किसी को कुछ दिया है ये खेती करने का? यहाँ कुछ नहीं है ना। तो फिर क्यों डाल रहे हो ये खाद आप? ये सड़ी हुई खाद आप जानते हो, गंगा जी करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है गंगा की सफाई पर, और गंगा जी में ये आप गंदगी फैला रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप बताएं? जिसने जगह बांटी हो उससे कहो ना जाकर। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, किसने बांटी है? प्रधान जी ने दी है जगह। प्रधान का नाम बताओ। उमर सिंह। कहाँ के प्रधान है? राजघाट के। राजघाट के। तो उन्होंने किस बेस पर बांटी है ये? जमीन कटी हुई है सब खादर की अपनी। अच्छा, तो प्रधान ने आपको काट के दे दी? बांट के दिए सबको, पूरे गांव को। कितने कितनी जमीन दी है? दो दो बीघे सबको बांट दी। गंगा जी में कुछ दबंगों द्वारा खेती की जा रही है और उसमें विषैला खाद उसमें डाला जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये एनजीटी के सख्त निर्देश है कि गंगा को किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं करने दिया जाएगा। इसमें खाद डालना, गोबर की खाद या कीटनाशक डालना या फर्टिलाइजर डालना पूरी तरह से कानूनी अपराध है। इसके लिए मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को लिखित और मौखिक निर्देश दिए हुए हैं कि ऐसा नहीं होने दें। इसके बावजूद भी कुछ लोग इस तरह के कार्यकलाप कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैंने एफआईआर करने के निर्देश दे दिए हैं और एफआईआर करा के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की।